हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7 जो फंक्शन दिया हुआ है गिवन फंक्शन हमें इस फंक्शन का डिसकंटिन्यूटी चेक करना है इस पॉइंट पे -3। इससे फंक्शन ये होता है -3 और 3 के बीच में फंक्शन ये रहता है और 3 से जब बड़ा होगा या फिर उसके बराबर पे 6x+2 यह फंक्शन। तो इस पॉइंट पे हम चेक करेंगे -3 और +3 पे, और यहाँ पे मॉडुलस x है तो मॉडुलस x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जब x 0 से छोटा होगा यानी कि नेगेटिव में होगा तो ये -x होगा और +x होगा जब x 0 से बड़ा हो या उसके बराबर हो। अब हम लोग चेक करते हैं -3 पे एट x इक्वल टू -3। ये fx है तो सबसे पहले fx निकालते हैं -3 के इक्वल ये है फंक्शन है मॉड एक्स प्लस थ्री, तो हम लिखेंगे मॉड एक्स मतलब मॉड -3 + 3। और मॉडुलस में हम लोग को मालूम है कि माइनस जो है वो प्लस में हो जाता है तो ये हो जाएगा +3 + 3 = 6। एफ -3 इतना निकला। अभी लेफ्ट हैंड लिमिट किसका निकालेंगे, x टेंड्स टू -3 f x -3 से छोटा यही है तो इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू -3 f x की जगह पे मॉड एक्स +3। एक्स के जगह पे -3 पुट करेंगे तो ये हो गया -3 + 3। फिर ये -3 हो जाएगा +3 क्योंकि मॉडुलस में है, मॉडुलस में माइनस को प्लस में बदल जाता है तो -3 हो गया +3 और ये +3 = 6। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू -3 + f x = lim x - 3 + f x। -3 से बड़ा ये है -2x, तो लिखेंगे -2x और -3 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -2 × -3 = 6। हम लोग देख सकते हैं कि f -3 6 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी 6 आया है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस है इस पे -3 पे। हियर एट x = -3
टेंड्स टू माइनस थ्री माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस थ्री प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस थ्री देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू माइनस थ्री। अब हम लोग प्लस थ्री पे चेक करेंगे। एक्स इक्वल टू थ्री, सबसे पहले एक्स थ्री निकाल लेते हैं। एक्स थ्री इक्वल टू प्लस थ्री के इक्वल, प्लस थ्री के इक्वल ये है तो यहां पे हम लोग लिखेंगे सिक्स इंटू थ्री प्लस टू, सिक्स थ्री एटीन प्लस टू इक्वल टू ट्वेंटी। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री माइनस थ्री से छोटा, थ्री से छोटा मतलब इस पे जाएंगे हम लोग माइनस टू एक्स, माइनस टू एक्स इक्वल टू हो गया माइनस टू इंटू एक्स कितना है थ्री, तो ये हुआ माइनस सिक्स। क्लियर है? यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि एफ थ्री और ये लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आया, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये थ्री पे डिसकंटिन्यू है। सो और हमें राइट हैंड लिमिट चेक करने का जरूरत भी नहीं है। एट एक्स इक्वल टू थ्री एफ थ्री इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट देयरफॉर एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट